पौड़ी जिले के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने दो राजस्व उप निरीक्षकों के वेतन वृद्धि पर 3 साल तक के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि दोनों राजस्व उप निरीक्षकों को अंकिता भंडारी हत्याकांड के प्रभावी कानूनी कार्यवाही न करने और विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में 2022 में निलंबित किया गया था और विभागीय जांच में दोनों ही राजस्व उप निरीक्षक दोषी पाए गए थे। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने के बाद दोनों ही राजस्व उप निरीक्षकों के वेतन वृद्धि पर आने वाले 3 सालों तक रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त करते हुए उनके सेवा बहाली के आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर दो पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा FIR दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी और उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पर 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया।